आपको खबर दें कि नेशनल अस्पताल के बाहर सड़क पर तजावजात की भरमार है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर है और एम्बुलेंसेस को गुजरने में भी मुश्किलात का सामना है। रोड के दोनों अतराफ में फुटपाथ पर रेड़ी बानों का कब्जा है। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अब्बास से, जो कि इस वक्त नेशनल अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। हैदर अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल के बाहर जो है तजावजात की भरमार है, जिसकी वजह से सारा दिन ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहती है और उसके साथ साथ जो मरीज़ आते हैं और जो उनके लवाहिकीन आते हैं उन्हें गुजरने में और आने में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर रोड के दोनों अतराफ जो है रेड़ी बान जो है उन्होंने कब्जा किया हुआ है फुटपाथों पर, साथ रिक्शे वालों ने भी साथ ही जो है वो कब्जा किया हुआ है नाजायज़ तौर पर, और उसके साथ साथ जो है एम्बुलेंसिस भी यहाँ पर खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी सारा दिन मुतासर होती रहती है। मेरा कैमरा मैन अगर इस वक्त दिखा सके तो आप इस साइड पर भी देख सकते हैं कि कैसे फुटपाथ पर वालों ने जो है वो कब्जा किया हुआ है। गैर कानूनी ये कब्जा है, जबकि इंतजामिया की जानिब से कई बार मुतअद्दिद बार ऑपरेशन भी किए गए हैं, लेकिन जो है इन रेड़ी बानों ने यहाँ से अपनी रेड़ियाँ नहीं हटाई हैं। और उसके साथ साथ जो रोड के अतराफ फुटपाथ के साथ जो है वहाँ पर भी जो है मोटरसाइकिल्स और रिक्शा ये खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से बेशतर औकात जब एम्बुलेंसेज आती हैं उन्हें भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना होता है गुजरने में। यहाँ पर जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि ये तजावजात जो है फौरी तौर पर इनका खात्मा करवाया जाए, क्योंकि मरीजों और उनके लवाहिकीन को और ख़ास तौर पर जो यहाँ से शहरी भी गुजरते हैं शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास, तफसीलात से आगाह करने के लिए।